नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और स्वागत है आपका माय विजय यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक है बोन ग्राफ्ट फॉर डेंटल इम्प्लांट्स। आज हम जानेंगे कि बोन ग्राफ्ट का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है डेंटल इम्प्लांट में। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए माय विजय यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी बजा दीजिए जिससे मिल सके लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले। दोस्तों, आप लोग से वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहती है, आपको आपके भी काम आएगी, साथ में आपके पूरे फैमिली के ये वीडियोस काम आ सकती हैं। आप वीडियो लिस्ट जरा चेक करिएगा मेरी, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो हो सकता है कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़े। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोन ग्राफ्ट का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है इम्प्लांट में। जिसको भी डेंटल इम्प्लांट कराना है, हो सकता है उनके डेंटिस्ट ने उनको बोला हो कि आपको बोन ग्राफ्ट भी करना पड़ेगा। तो ये होता क्या है एक्चुअली में बोन ग्राफ्ट होता क्या है दोस्तों, मैं आपको पहले पिक्चर दिखाता हूँ, पिक्चर लगाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखिए, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं दो जबड़े की हड्डी, मैं नीचे वाला ही जबड़ा दिखा रहा हूँ। ये आप एक जबड़े में देख रहे हैं कि अच्छा मोटा जबड़ा है, और एक जबड़ा आप देख रहे हैं पतला दुबला सा जबड़ा है ना। तो होता क्या है, जो पतला जबड़ा है उसमें एकदम लॉस हो चुका है, हड्डियों का लॉस हो चुका है, हड्डी एकदम पतली हो चुकी है। ऐसे स्थिति में पेशेंट को डॉक्टर मना कर देता है इम्प्लांट के लिए, क्योंकि ऐसी अगर इतनी पतली हड्डी है तो इम्प्लांट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो मना कर दिया जाता है, ऐसे केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन आप जब दूसरी तरफ देख रहे हैं जो चौड़ी हड्डी आपको दिख रही है, ऐसे स्थिति में इम्प्लांट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आपको हड्डी चौड़ी दिख रही है हर जगह से वो हड्डी प्रॉपर है, हो सकता है कि वो कहीं कहीं फोकली हो, कमज़ोर हो। तो अगर कुछ जगह से वो फोकली है, कमज़ोर है, तो वो जगह को बोन ग्राफ्ट के ज़रिए वापस से मजबूत किया जाता है और वहाँ की हड्डी को वापस मजबूत किया जाता है। अब मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये देखिए, अब ये हड्डी में से दांत आप देख रहे हैं कि दांत आपको दिख रहा है और दांत इसमें से निकाला गया है दूसरी पिक्चर में। लेकिन दांत के आप नीचे आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे हड्डी आपको जो दांत को पकड़े रहती है, जबड़े की हड्डी जिसको एल्यूलर बोन भी कहा जाता है, वो जबड़े की हड्डी वहाँ से लॉस हो चुकी है। लॉस इसलिए हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है। पेरियोडोंटल प्रॉब्लम क्या होता है, मसूड़े की समस्या, बस इतना आप समझ के रखिए क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा। बस एकदम बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझिए। ये क्या होता है, मसूड़े की बीमारी होने के कारण, मसूड़े का इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे हड्डी कमज़ोर हो गई है और वहाँ से हड्डी झड़ चुकी, लॉस हो चुकी है। ऐसे ही आप एक और पिक्चर में देखेंगे, ये देखिए, इसमें आपको दिखेगा नीचे, मतलब दांत के जो नीचे जड़ का पोर्शन है, जड़ के नीचे आपको वहाँ पर लॉस दिखेगा, बोन का लॉस। तो ये भी इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन था जिसके कारण वहाँ की हड्डी लॉस हो चुकी है, वहाँ की हड्डी कमज़ोर हो चुकी है। तो जब ऐसे केसेस रहते हैं तो इम्प्लांट डालने के पहले उस हड्डी को मजबूत बनाया जाता है। अब मजबूत कैसे बनाया जाए, मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है बोन ग्राफ्ट मटेरियल। अब ये बोन ग्राफ्ट मटेरियल क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। बोन ग्राफ्ट मटेरियल दो तरीके से बॉडी से लिए जाते हैं। एक तो बॉडी से लिया जाता है, मतलब आप कोई भी अंग से डॉक्टर बोन को रिमूव निकालता है और जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर ट्रांसप्लांट करता है, मतलब आपके खुद के बॉडी से बोन निकाला जाता है और उसको दूसरी जगह पे डाला जाता है जहाँ पे ज़रूरत है। ये तो हो गया आप ही के बॉडी से बोन निकाला गया। दूसरा जो है, आजकल जो तकनीक चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है, जो आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्टिंग की जाती है। आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्टिंग में जो मटेरियल यूज़ होता है, उस मटेरियल का कॉम्पोजिशन होता है हाइड्रोक्सीलेटेड फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या? हाइड्रोक्सीलेटेड कैल्शियम फॉस्फेट, ये मटेरियल होता है जो नेचुरल बोन से बहुत अच्छा रिलेशन बनाता है और ये बोन ग्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। यही मटेरियल बोन में जहाँ पे लॉस हुआ है वहाँ पे डाला जाता है और पैक किया जाता है कि वहाँ पे हड्डी वापस मजबूत हो जाए। तो आपको अब मैं एक और फ़ोटो लगा देता हूँ। ये देखिए, ये फ़ोटो में, इस फोटो में बोन ग्राफ्ट डाला गया है और बोन ग्राफ्ट डालने के बाद, पैक करने के बाद, दूसरे इसके बाद जो स्टेप की जाती है उसमें मेम्ब्रेन लगाया जाता है।
अब मेम्ब्रेन क्या होता है जो आप फोर्थ पिक्चर में देख रहे हैं, वो मेम्ब्रेन लगाया जाता है, मतलब आप एकदम इजी तरीके से मैं बता दूं, एक बैरियर का काम करता है, हड्डी जहाँ पे बोन ग्राफ्ट डाला गया है वो और मसूड़े के बीच वो बैरियर का काम करता है। मतलब मसूड़ा जो है ऊपर से जब टांका लगाया जाता है बोन ग्राफ्ट को अंदर भरने के बाद, ऊपर से जब मसूड़े को टांका लगाया जाता है तो इनके बीच में एक मेम्ब्रेन डाली जाती है कि जो मसूड़े और बोन ग्राफ्ट को अलग अलग रखे, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन नहीं डालेंगे तो जो मसल्स है, जो मसूड़े हैं, वो टांका लगाने के बाद हो सकता है अंदर बोन ग्राफ्ट के अंदर भी मांस ग्रो हो जाए, क्योंकि मसल्स है ना वो तो ग्रो होगी, तो इसके कारण उसको बचाने के लिए मेम्ब्रेन डाली जाती है। अब मेम्ब्रेन भी दो प्रकार की आती है, रिजॉर्वेबल मेम्ब्रेन आती है और नॉन रिजॉर्वेबल मेम्ब्रेन आती है, लेकिन मैं अब इसमें आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मैं बोलते जाऊंगा ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो अगर किसी को जानना, डीप में जानना है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन रिजॉर्वेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, नॉन रिजॉर्वेबल मेम्ब्रेन क्या होती है और किसकी बनती है, क्या खास बात होती है दोनों में, कौन सी मेम्ब्रेन ज़्यादा बेहतर होती है, ये सब के बारे में अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। बस लेकिन वर्ड से ही आप समझ लीजिए, रिजॉर्वेबल मतलब होता है कि अपने आप घुल मिल जाना, और नॉन रिजॉर्वेबल मतलब वो अपने आप नहीं घुल मिलेगी, उसको हटाना पड़ेगा। ये आप बेसिक इतना समझ के रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इतना तो दोस्तों आपको होप्सो समझ आया ही होगा, इतना मैं अच्छे से बेसिक तरीके से बताया हूँ। ये करने के बाद अब बहुत टाइम तक रुकना पड़ता है, मतलब टांका जब लगा देता है, बंद कर देता है, बोन ग्राफ्ट डाल के बंद कर दिया जाता है, उसके बाद आपको मान के चलो 2-3 महीना 4 महीना रुकना पड़ता है, क्योंकि उस समय जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस में लगता है टाइम, वहाँ पे वापस हड्डी रीग्रोथ होती है और मजबूती होने में लगता है वक्त, और तब तक डेंटिस्ट को रुकना पड़ता है। अब मैं आपको ये चीज़, एक बेसिक चीज़ पता चल गया कि बोन ग्राफ्ट का क्या इस्तेमाल होता है, किस जगह पे बोन ग्राफ्ट डाला जाता है और क्यों डाला जाता है। लेकिन अब वापस से मैं आपको एकदम प्रॉपर स्टेप 1 से लेकर लास्ट स्टेप तक बताऊंगा कि स्टेप 1 से शुरू हुआ काम और लास्ट स्टेप में हम इम्प्लांट करके दांत लगाया गया। अब मैं आपको एक फोटो लगाता हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से वापस से आप समझिए, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए हम, मैं ये देखिए आप फोटो, स्टेप 1 में जो है एक दांत है जो आपको फ्रैक्चर दिख रहा है, सामने का दांत। अब मैं पहले अभी आपको पीछे के दांत का दिखाया था, लेकिन अभी मैं आपको सामने का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करिए और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टेप 1 में आप देख रहे हैं एक फ्रैक्चर टूथ है, फ्रैक्चर्ड फ्रंट टूथ आपको लिखा है सामने, फ्रैक्चर टूथ है। अब वो दांत को डेंटिस्ट निकाल देता है, निकालने के बाद होता क्या है, आप दूसरे फोटोज में देखेंगे कि आपको जो अंदर है हड्डी के वहां पे लॉस दिख रहा है, बोन लॉस दिख रहा है, मतलब वहां की जबड़े की हड्डी दांत निकालते वक्त चूट गई या कमजोर थी तो लॉस हो गया। ये दोनों चीज में हो सकता है, दांत निकालते समय भी हो सकता है जबड़े की हड्डी थोड़ी टूट के आए, ये कॉमन चीज है, या वहां पे हड्डी कमजोर है, लॉस हो चुकी है, तो ये भी एक चीज होती है, पेरियोडोंटल प्रॉब्लम के कारण भी हड्डी कमजोर हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे सेकंड स्टेज में लॉस हो चुका है। थर्ड स्टेज में हम जाते हैं तो डॉक्टर दांत निकाल चुका है और आप देख रहे हैं खोखला बन गया है, खोखले के साथ साथ आपको एक पॉइंट दिखेगा वहाँ पे भी स्मूथनेस नहीं दिख रही है, वहाँ पे गैप बना हुआ है क्योंकि वहाँ का बोन लॉस हो चुका है। अब क्या होगा, फोर्थ स्टेज में वहाँ पे बोन ग्राफ्ट डाला जाएगा, क्योंकि इस जगह पे हमको इम्प्लांट डालना है ना, तो वो तो खोखली जगह है, पूरा खोखला है, तो वहाँ पे बोन ग्राफ्ट डाल के उस जगह को वापस मजबूती दिया जाएगा। तो बोन ग्राफ्ट अंदर डाला गया है फोर्थ स्टेज में, जो हाइड्रोक्सीलेटेड कैल्शियम फॉस्फेट मटेरियल का है, और वो डालने के बाद मेम्ब्रेन लगाया गया है फिफ्थ स्टेज में। मेम्ब्रेन क्या, मैंने बताया ना रिजॉर्वेबल और नॉन रिजॉर्वेबल मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन लगाया गया है, और मेम्ब्रेन लगाने के बाद अब आप छठवें स्टेज में देखेंगे कि मसूड़ों को टांका लगाया गया है। टांका लगाने के बाद आप आएंगे, ये सातवां जो स्टेज है वो टाइम देना पड़ता है, मतलब रुकना पड़ता है 2-3 महीना 4 महीना, और उसके बाद घाव भर गया है और सातवें स्टेज में घाव भर चुका है और तैयार है अब हमारी हड्डी इम्प्लांटेड लेने के लिए। तो आठवें स्टेज में इम्प्लांट डाला गया है, आप देख रहे हैं इम्प्लांट को प्लेस किया गया है सक्सेसफुली, और 9वें स्टेज में दांत डाल दिया गया है अब इम्प्लांट में। अब ये हो गया आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट, और स्ट्रांग दांत अब आपको मिल चुका है जहाँ पे आपका दांत लॉस हो चुका था।
तो होप सो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आए कि बोन ग्राफ्ट का क्या रोल होता है डेंटल इम्प्लांट में। होप सो आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करके इंकरेज ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर कुछ प्रश्न हो, कुछ और चीज़ अगर जानना हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ, रिसर्च करके लाते रहता हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।